ईडी की रिमांड पर संजय सिंह, कार्रवाई से भड़के अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस पर दे दिया कैसा बयान। शराब नीति घोटाले में फंसे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पर ईडी का शिकंजा कसता हुआ नजर आया, बल्कि कोर्ट ने संजय सिंह को 5 दिन की ईडी की रिमांड पर भेज भी दिया है। ऐसे में संजय सिंह के खिलाफ हुई कार्रवाई और ईडी के एक्शन से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल काफी भड़के हुए हैं, तो वहीं पूरा का पूरा विपक्ष संजय सिंह के समर्थन में खड़ा हुआ है, बल्कि कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने संजय सिंह के घर पहुंचकर उनके परिजनों से न सिर्फ मुलाकात की बल्कि संजय सिंह के साथ खड़ा होने का भी वादा किया। लेकिन कांग्रेस संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के साथ इस मामले को लेकर खड़ी कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रही है, जिसे लेकर कहीं ना कहीं अब अरविंद केजरीवाल भी काफी नाराज और भड़के हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी की जब सदस्यता गई तो आम आदमी पार्टी ने खुलकर इसका समर्थन किया था, लेकिन जब संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई तो कांग्रेस ने शर्तों के साथ समर्थन किया है। इस पर जवाब देते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ना करें क्या फर्क पड़ता है, इन्होंने हमारी पूरी जांच कर ली लेकिन कुछ नहीं मिला, बस घोटाला, बिजली घोटाला, सड़क घोटाला, पानी घोटाला, सबकी जांच करा ली लेकिन कुछ नहीं मिला। आइए आपको सुनाते हैं अरविंद केजरीवाल का वो बयान जिस पर वो कांग्रेस पर भड़के हुए कहीं ना कहीं दिखाई दिए। राहुल गांधी की जब सदस्यता गई आपने खुलकर सपोर्ट किया, लेकिन जो संजय सिंह के मामले में कांग्रेस जो है शर्तों के साथ ना करे क्या फर्क पड़ता है। देखिए पूरा का पूरा इन्होंने हमारी इतनी जांच करा ली, कुछ निकला, बस घोटाला बोले बस घोटाला हो गया, कुछ नहीं निकला उसमें, सारी जांच करा ली, बोले स्कूल के क्लासरूम बनाने में घोटाला कर दिया, सारी जांच करा ली उसमें कुछ निकला। तथाकथित शराब घोटाले में अप्रूवर बनाए गए लोगों के बयान पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और संजय सिंह के करीबियों को वीडियो द्वारा पूछताछ के लिए बुलाए जाने के बारे में पूछे जाने पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सब कुछ झूठ है, ये सब खत्म हो जाएगा, सारे बयान झूठे हैं, तंग करके और टॉर्चर करके जबरदस्ती लोगों के बयान लिए गए हैं, थोड़े दिन में ये कहेंगे कि शराब घोटाले में कुछ नहीं मिला, फिर ये नया घोटाला ले आएंगे, इसका कोई अंत नहीं है क्योंकि इन लोगों की नियत खराब है, दिल्ली में इतने काम हो रहे हैं लेकिन ये काम नहीं करने देना चाहते हैं। कल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई आप सब लोगों ने सुना कि ये पूरा शराब घोटाला भी फर्जी है, मैं तो शुरू से ही कह रहा था कि एक पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ, जज कल बार बार पूछते रहे भाई कोई तो दिखाओ, एक पैसा तो दिखाओ, कहीं सबूत तो दिए, एक सबूत नहीं है इनके पास, एक सबूत नहीं है, तो पूरा का पूरा शराब घोटाला फर्जी है। थोड़े दिन के अंदर ये शराब घोटाला बंद हो जाएगा, एक और ले आएंगे, मतलब इनको पूरा टाइम इनको केवल और केवल लोगों को एजेंसीज में और इन सारी जांचों में उलझा के रखना है, काम ना खुद कुछ काम करेंगे ना लोगों को कुछ काम करने के लिए। सीधा सीधा आरोप अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की मोदी सरकार पर लगाया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की माने तो केंद्र की मोदी सरकार सिर्फ विपक्षी नेताओं को टारगेट कर रही है, बल्कि देश भर में बिजनेसमैनों को बुरी तरह से टारगेट किया जा रहा है। बड़ा दुख होता है कि पिछले 5 से 7 साल में लगभग 12 से 13 लाख हाई नेटवर्क बिजनेसमैन जो इंडस्ट्री और व्यापार चलाते थे और लोगों को नौकरियां दिया करते थे, वो भारत की नागरिकता छोड़कर विदेश चले गए हैं और उन्होंने यहाँ पर अपने बिजनेस बंद कर दिए क्योंकि उनके पीछे भी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के लोग छोड़े गए, और अब बीजेपी राजनीति दलों से जुड़े नेताओं पर ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स जैसे तीर छोड़ रही है, जो सरासर गलत है। इस खबर में बस इतना ही, अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।